हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएसबी हेड कांस्टेबल का पुराना पेपर 2018 में जो हुआ था उसकी रीजनिंग पर थोड़ी डिस्कस करेंगे और बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस लेवल का पेपर आया था, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या इनका लेवल रहा गया था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पहला सवाल इसमें पूछा गया था, इसमें 25 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको इस प्रकार से, ये दी गई थी जिसमें पूछा गया था कि बाएं से पांचवें दाएं से कौन सा तत्व है तीसरा है, यानी कि आपको इधर से बायां अक्षर गिनना, बाएं से पांचवा अक्षर गिनना था, यानी कि यहाँ पर पांचवा अक्षर जी हो जाता है। और आगे लिख रखा है पांचवें दाएं से कौन सा तत्व तीसरा है, यानी पांचवे के दाएं से, तो पांचवे का दाया इधर हो गया, तो इधर तीसरा तत्व आपको देखना था, यानी कि एच एक और ये दो और ये तीन, यानी कि आठवां तत्व तीसरे नंबर पर है। इस तरह से आपको आंसर बताने थे, तो इसका आंसर जो था वो था बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वह शब्द चुनिए जो कि बाकी से अलग है, तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा शब्द इसमें से डिफरेंट है। तो टोपी होती है, ये भी ओढ़ने की होती है, टर्बन होता है, ये भी सर पे बांधने का होता है, हेलमेट होता है, ये भी सर पे ओढ़ने का होता है। तो तीनों चीज़ों सर पे ओढ़ने की है। जो चौथी चीज़ है आवरण, आवरण किसी भी चीज़ का हो सकता है, हम आवरण के अंदर हो सकते हैं या फिर आवरण कोई भी चीज़ हो सकता है, ये स्पेशल सर के लिए नहीं है। तो इसमें जो डिफरेंट हो गया वो हो गया आवरण, यानी कि इसका आंसर था आवरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह शब्द चुनिए जो कम से कम दूसरे शब्दों की तरह है, तो इसमें आपको चुनना था कि कम से कम दूसरे शब्द की तरह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर माना गया था वो था पुस्तक। पेपर, पेंसिल और पेन, ये तीनों चीजें होती हैं, पेपर, पेंसिल और पेन, ये तीनों चीजें लगभग सेम सी हैं और पुस्तक इनमें से थोड़ी सी डिफरेंट अलग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था वह शब्द चुनिए जो कम से कम दूसरे शब्दों की तरह है, तो इसमें आपको बताना था कि कम से कम दूसरे शब्द से कौन सा मैच करता है यहाँ पर, तो इसका आंसर था हृदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो काफी बच्चे इसका आंसर ए भी मान रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें होती हैं, ये अंदर की तरफ होती हैं शरीर के, और जो कान होता है वो शरीर के बाहर की तरफ होता है, तो आप इसका आंसर ए भी मान सकते हैं। लेकिन जो एसएसबी में इसका आंसर माना गया था वो माना था हृदय, इसका आंसर माना गया था। अगला क्वेश्चन मिरर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप मिरर के आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें छवि बतानी थी, तो मिरर के सामने अगर इस प्रकार की अक्षर आप रखते हैं तो किस प्रकार की छवि इसमें बनती है। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करके आप आंसर को चेक कीजिए, यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शन से सीधा आंसर को कट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए कट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा वो जी का उल्टा प्रतिबिंब आएगा, तो यहाँ पर आर का है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये भी कट हो गया, यानी कि आंसर सिर्फ इन दोनों में से एक में आएगा। तो इस प्रकार आप चेक करके आराम से जल्दी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था पेटेंट को पूरा करने वाली छवि कौन सी है, यानी कि ये जो चित्र दे रखा है उसमें कौन सी छवि इस चित्र को पूरा करती है, तो ये वाली छवि इस चित्र को पूरा करती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला भी इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया था, छवि को पूरा करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ये बढ़ते क्रम में है, तो आप यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हैं, इसका आंसर आप आराम से लगा सकते हैं, इसका आंसर तीन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी छवि को पूरा करने वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि तीन क्वेश्चन छवि को पूरा करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका भी जो आंसर है वो आंसर है इसका डी, यानी कि ये वाले चित्र इस छवि को पूरा करती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन का आराम से अभ्यास करिए। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी दर्पण प्रतिबिंब का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी तीन दर्पण प्रतिबिंब के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अस्थमा, फेफड़ा, आँख आना, यानी कि जो अस्थमा होता है वो फेफड़ों के अंदर होता है और जो आँख आना होता है वो कहाँ पर होती है, तो
आँख आना भी आँख से संबंधित है, अस्थमा फेफड़ा से संबंधित है, तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर लगाने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था जैसे कि तापमापी। तापमापी क्या काम करता है? ताप को मापता है। तो ग्लूकोमीटर किसको मापता है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो रक्त में जो शर्करा उपस्थित होती है उसको ग्लूकोमीटर मापता है, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था वो भी आकृति का चयन कीजिए जो पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि ये भी आकृति को पूरा करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था वो यहाँ पर था ये वाला। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था ये आप आराम से कर सकते हैं। जैसे किसी में +2 का फर्क होता है, किसी में -2 का फर्क होता है, किसी में +1 का फर्क होता है, तो किसी में +4 का फर्क होता है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो इनका आप अभ्यास करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी यही वर्णमाला से संबंधित पूछा गया था, और जो अगला इससे पूछा गया था 92 का क्वेश्चन, उसमें आपको आकृतियों की संख्या बतानी थी कि किसमें इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसको भी आप वर्ग गिन के आपको वर्ग की संख्या इसमें बतानी थी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर जो था वो था इसमें 30 वर्ग उपस्थित है। वैसे तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4, ये इस प्रकार से इसकी ट्रिक भी होती है, इस प्रकार से भी इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो 93 का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको आकृतियों की संख्या गिन के बतानी थी। इसमें आपको त्रिभुज की कितनी आकृतियाँ इसके अंदर उपस्थित हैं ये आपको आंसर बताना था। तो इसका जो आंसर था वो था इसमें 18 त्रिभुज उपस्थित हैं, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन और पूछा गया था वो भी इसमें त्रिभुज की संख्या आपको यहाँ पर बतानी थी। इसका जो आंसर था इसमें 15 त्रिभुजों की संख्या उपस्थित थी। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर रीजनिंग के पूछे गए थे वो हमने आपको बता दिए हैं, और इसी टाइप के आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। अगर मैं सभी पढ़ के बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो मैं आपको वैसे बता ही देता हूँ कि इसमें 95 का जो पूछा गया था उसमें था निम्नलिखित वर्णमाला संख्या में पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाले वर्ण को दिए गए विकल्प से चुनिए। तो आपको बताना था कि यहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी, यहाँ पर बीच में इसका अंतर सिर्फ 1 का है, फिर यहाँ पर अंतर बी डी के बीच में 2 का है, और फिर डी और जी के बीच में यहाँ पर अंतर 3 का है। तो अगला जो वर्ण आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। तो अगला जो अंतर आएगा वो 4 का अंतर आएगा, यानी कि 7 और 4 11। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा के, इसका जो आंसर था वो था सी। इसी प्रकार आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। 96 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्नलिखित वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया था, यहाँ पर उपयुक्त व्यवस्था में कितने व्यंजन हैं जिनसे प्रत्येक तुरंत व्यंजन से पहले होता है और तुरंत बाद एक संख्या आती है। तो आपको ऐसे शब्द इसमें से छांटने थे कि इसमें उपयुक्त व्यवस्था में कितने व्यंजन ऐसे हैं जिनके प्रत्येक तुरंत व्यंजन से पहले होता है और तुरंत बाद एक संख्या है। तो आपको ऐसे चीजें यहाँ पर छांट के आपको बतानी थी। तो इस प्रकार से ये 1, 2 और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिसमें से आपको ये चीजें छांट कर बतानी थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपको एक श्रृंखला दे दी गई थी, और इसमें से पूछा गया था कि इसमें से कौन सी अगली संख्या आएगी। तो आपको भी यहाँ पर जोड़ घटा भाग करके ऐसे ही आपको अगला नंबर फाइंड आउट करना था कि कौन सा अक्षर इसके आगे आएगा, कौन सी संख्या इसके आगे आगे आएगी। और इसी प्रकार से जो 99 का था वो भी इसी प्रकार से था। तो आपको आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इजी स्तर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और इसी प्रकार से आगे होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में रीजनिंग के क्वेश्चन SSB में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक का इधर उधर से क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हमको इस पेपर में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, तो वहाँ पर आपको भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से जैसे दिशा परीक्षण के यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो आपको दिशा निरीक्षण के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आप सभी टॉपिक को आराम से अध्ययन करना, और रीजनिंग आप बिल्कुल 25 में से 25 क्वेश्चन आप रीजनिंग के सही कर सकते हो। बिल्कुल इजी स्तर की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये भी आपसे आकृति से संबंधित ही क्वेश्चन यह पूछा गया था, क्योंकि इस पेपर में लगभग 4 से 5 आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे त्रिभुज ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, इस प्रकार से पूछे गए हैं, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर वर्णमाला से पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर वर्णमाला के पूछे गए हैं, और काफ़ी आपको सभी चीज़ें जो दिखा दी गई है यहाँ पर, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आकृति के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से रीजनिंग का अध्ययन करके जाना। रीजनिंग में बहुत कम चांस होता है आपके नंबर कटने के, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ठीक से पढ़कर जाते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।